कराची में तेज बारिशों के साथ साथ समुद्री तूफान का खतरा पैदा हो गया। करंगी फिश हार्बर पर माहीगीरों ने क्या एहतियाती तदाबीर की है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे कफील अहमद से, जो इस वक्त करंगी फिश हार्बर पर मौजूद है। कफील बताइएगा। मियात ने इस वक्त जो है वो अलर्ट जारी किया, जिसके तहत अगर हम बात करें तो समंदरी तूफान बनने का इम्कान है और ये आज रात या कल सुबह तक जो है वो इसमें मज़ीद ताकतवर होगा। और इस हवाले से जो तमाम हिदायत हैं वो जारी की गई हैं और इसके पेश नज़र 31 अगस्त तक तेज़ बारिशें कराची और सिंध के दीगर अजला के अंदर जो है वो हो सकती हैं। और अगर हम बात करें तो इस वक्त माहीगीरों को खसूसी हिदायत है कि वो समंदर के अंदर ना जाएँ। इस वक्त मेरे साथ माहीगीर मौजूद है, मैं इस वक्त करंगी फिश हार्बर से रिपोर्ट कर रहा हूँ। उस्ताद साहब क्या कहना चाहेंगे, अहमद इस वक्त क्या सूरत हाल है, समुद्री तूफान आ सकता है? क्या एहतियात करेगा, जो नसीब में वो होता है और हम लोग जैकेट वगैरह पहनते हैं, लाइफ जैकेट वगैरह, तो अपना जान का ऊपर बचाने के लिए कोशिश करते हैं। समंदर के हालात बिल्कुल अभी सही नहीं है, जो वो समंदर के वो बाहर सारे नहरों के अंदर हैं, कुछ किनारे अभी भी हालात थोड़ा सेट नहीं है। तकरीबन 31 पहली तारीख तक कुछ रिपोर्ट आएंगे कि बेहतर ही होंगे तो फिर ये निकलेंगे। अभी तो बिलाल आपके सामने जो बिल्कुल नज़र आ रही है, आइस अभी तैयारी कर रहा है, ये तैयार होकर रखेंगे, जब उनको ऊपर से आर्डर आएंगे तो इंशाल्लाह ये निकल जाएंगे। देखना ये कि किस हद तक जो है ये समंदरी तूफान इतना ताकतवर होता है और ये बारिशें जिसके बारे में महकमा मौसमियात ने बहुत ज़्यादा जो है वो प्रिडिक्ट किया है कि बहुत अपडेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।